गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन 12 साइंस ब्राउन रिंग टेस्ट यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ HNO3 नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज ब्राउन रिंग टेस्ट दिस इज ऑल्सो नोन एज रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन है ना ब्राउन रिंग टेस्ट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन इन लैब ऑल्सो वी विल डू दिस Of nitrate ion, ठीक है सो इन ब्राउन रिंग टेस्ट वॉट इज डन बेटा एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और जो Fe2+ आयन है ना फेरस आयन वो नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है ठीक है तो Fe2+ आयन रिड्यूसेज nitrates into nitric oxide ठीक है ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO को लिख दो नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद Fe2+ क्या बेटा फेरस आयन है सो Fe2+ टू फॉर्म ए ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स क्लियर इन लैब हाउ इट इज डन यू नो इन लैब यू विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन लैब At dilute ferrous sulfate solution is added to an aqueous solution containing nitrate ion. कोई भी nitrate like sodium nitrate, ammonium nitrate, कोई भी nitrate ion वाला compound ले लिया ठीक है उसका solution ले लिया तो कुछ ऐसा होगा ऐसे करते ठीक है तो nitrate ion वाला solution है सॉल्यूशन इसमें ऐड क्या करते हैं व्हाट इज एडेड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन ठीक है ये दो सॉल्यूशन हो गए देन ड्रॉप बाय ड्रॉप concentrated very carefully drop by drop concentrated sulfuric acid side test tube ke side se drop karte hain theek hai drop by drop this is concentrated sulfuric acid so you know when they both are added to ye jo do solution hai na iske beech ke junction mein ek ring jaisa banega brown colored ring रिंग ब्राउन कलर सो दिस रिंग शोज दैट ये कहाँ पे बनेगा इन दोनों के इंटरफेस पे है ना सो इन दिस रिंग शोज दैट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन एंड दिस इज नोन एज रिंग आयन टेस्ट ठीक है इसको कैसे करते हैं समझ में आ गया सबको फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया एंड नाइट्रेट आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन ले लिया उसमें धीरे धीरे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ऐड किया एंड देन वेरी केयरफुली बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड HNO4 यू नो लैब में आपने काम किया हुआ है सो ग्लास ड्रॉपर से धीरे 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 यहाँ साइड से डालते हैं तो दोनों के जंक्शन पे एक रिंग बन जाता है यानी दो सॉल्यूशन के बीच में एक रिंग बनता है ब्राउन कलर का दैट इज नोन एज रिंग टेस्ट रिएक्शन कैसा होगा इसका लर्न कैसे करना है NO3 एक तो वन मार्क क्वेश्चन में इट कैन बी आस्क्ड रिंग रिंग टेस्ट इज फॉर विच आयन ठीक है रिंग टेस्ट इज डन फॉर विच आयन तो लिख देंगे नाइट्रेट आयन रिएक्शन विल बी NO3- + 3 Fe2+ फेरस सल्फेट है ना इसलिए Fe2+ + 4H+ तो ये रिड्यूस हो गया NO में ओके प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया ना प्लस Fe3+ + H2O
correct. Now this nitric oxide reacts with again ferrous ion. So Fe हेक्सा एक्वा, बाद में इन सब कंपाउंड का नाम हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ने ही वाले हैं. टू प्लस प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड विल गिव अस द कॉम्प्लेक्स दैट इज रिंग एंड दैट इज ब्राउन इन कलर. एफ ई एच टू ओ होल फाइव एन ओ टू प्लस, दिस इज प्लस एच टू ओ तो है ही. This is brown color, right? Now we will discuss in phosphorus. According to the new correction in the syllabus, it is cancelled. Phosphorus allotropic forms are cancelled. So we will start with the topics which are cancelled. I am leaving those topics and directly I am coming to 7.9, that is oxo acids of phosphorus. अभी जो एग्ज़ाम होगी उसमें मैं इतना ही पूछूंगी तुमसे, है ना, ऑक्सो एसिड जितना कराऊंगी, ठीक है. ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, सो ऑक्सो एसिड यानी द इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, देयर फॉर्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर, इट इज गिवन एवर ईयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फर्स्ट फॉस्फोरिक, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना. लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीनिक एसिड, ठीक है. फॉस्फीनिक एसिड फर्स्ट वन यही है ना, एसिड. इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपो, अपने को दोनों नाम याद रखने बेटा, ये ध्यान रखना, हाइपो फॉस्फोरस ठीक है, कॉम हाइपोफॉस्फोरस. तो ये कौन, इसका फॉर्मूला है H3PO2. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस अगर तुम फाइंड करोगे, एक दो मैं तुम्हें शो कर देती हूँ. H3 यानी 1 × 3 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो 3 माइनस 4 यानी माइनस 1, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो एक्स इज इक्वल टू प्लस 1. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज प्लस 1. इस तरह से हम कोई भी निकाल सकते हैं. आगे समझ में, अपने 11th में किया हुआ है. एंड प्रिपरेशन कैसे है, वाइट P4 अपने बुक में टेबल दे रखा है, टेबल नंबर 7.5. सो यू रेफर दैट, वाइट P4 प्लस एल्कली, ठीक है ना, इट विल गिव अस फॉस्फीनिक एसिड. स्ट्रक्चर कैसा होगा फॉस्फीनिक एसिड का, H3PO2 है ना, H3PO2, ओके. तो पी बीच में लिखेंगे, ठीक है, और डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, देन एच, देन एच, ठीक है. तो दिस इज H3PO2. बट यू सी, कैन डू यू ऑब्जर्व चिल्ड्रन, कि देर इज अ सिंगल बॉन्ड, एक पीएच बॉन्ड मस्ट होगा. जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं ना, उसमें 1 पीएच बॉन्ड और एक पी डबल बॉन्ड ओ तो होना ही होना है. तो दिस इज नोन एज हाइपो, दिस इज नोन एज फॉस्फिनिक एसिड या हाइपो फॉस्फोरस एसिड. एंड ऑक्सीडेशन नंबर तो वी नो हाउ टू टेक आउट. सेकेंड वन आई विल एक्सप्लेन यू, दैट इज फॉस्फोनिक एसिड. यू सी द स्पेलिंग, दिस इज फॉस्फिनिक एसिड एंड नाउ सेकेंड वन इज फॉस्फोनिक एसिड. सो फॉस्फोनिक एसिड में फॉर्मूला विल बी H3PO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं ना. H3PO3 को क्या बोलते हो, फॉस्फोरस एसिड. H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड. दिस इज H3PO3. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो फॉस्फोरस, ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट तुम खुद से भी निकाल सकते हो. सो H3 यानी 3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 3 माइनस 6 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो एक्स इज इक्वल टू प्लस 3. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस.
अब स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे, सबका स्ट्रक्चर अपने को याद रखना, ये ध्यान रखना बेटा। ऑर्थो फॉस्फोरस और फॉस्फोरस एसिड दोनों सेम है, इसका नाम फॉस्फोनिक एसिड है, यह याद रखना। बोर्ड में एनी वेज इट कैन कम, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड। सो पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच एंड एच, सो एच थ्री पी ओ थ्री, दिस इज एच थ्री पी ओ थ्री, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, यू हैव टू लर्न टेबल नंबर 7.5, यू हैव टू रेफर रेफर टेबल नंबर 7.5, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम्स, ठीक है, फॉस्फोरस एटम, एटम्स नहीं एटम, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ड्रॉ द स्ट्रक्चर। इन ऑल ऑक्सो एसिड्स चिल्ड्रेन, इन ऑल ऑक्सो एसिड्स एसिड्स फॉस्फोरस एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली, टेट्राहेड्रली, ठीक है, बाय अदर एटम्स। वन पॉइंट ध्यान रखोगे। सेकेंड पॉइंट इज एटलीस्ट वन वन पी डबल ओ बॉन्ड एंड वन पी ओ एच बॉन्ड तो होगा ही होगा, करेक्ट। देन द ऑक्सो एसिड्स इन विच फॉस्फोरस हैज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन एड कंटेन इन एडिशन टू दीज टू बॉन्ड्स पी पी बॉन्ड भी होगा, ठीक है, लेस देन फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट देयर देयर मस्ट बी अ पी पी, ठीक है, पी पी बॉन्ड दैट इज इन एच फोर पी टू ओ सिक्स, जैसे कि पी पी बॉन्ड, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ओके। देन जो दीज एसिड्स इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस टेंड टू डिसप्रोपोर्शनेट, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है टू हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड ऑन हीटिंग, तो फोर एच थ्री पी ओ थ्री, ये ना ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, वेन इट इज हीटेड इट विल गिव फॉस्फोरिक एसिड प्लस फॉस्फीन विल बी, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। डिसप्रोपोर्शनेशन में देखो दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो जाएगी, यहाँ एच थ्री पी ओ फोर में फाइंड करो कितना होगा, थ्री प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, सो थ्री माइनस एट इज फाइव, सो एक्स इज इक्वल टू फाइव, हियर इट इज फाइव एंड हियर इट इज एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। सो टुडे यू हैव टू रीड एंड वन मोर रिएक्शन इज देयर बेटर दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज द एसिड्स विच कंटेन पी एच बॉन्ड हैव स्ट्रांग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, एसिड्स विच कंटेन पी एच बॉन्ड आर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आर हैविंग, देख तो नहीं, हैविंग स्ट्रांग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो लिखेंगे जैसे वो सिल्वर को ए जी एन ओ थ्री प्लस एच थ्री पी ओ टू, एच थ्री पी ओ टू प्लस एच टू ओ
इसको रिड्यूस कर दिया सिल्वर को, सो 4Ag प्लस 4HNO3 प्लस H3PO4. सो इन दिस वे सिल्वर इज रिड्यूस फ्रॉम AgNO3 बाय हाइपोफॉस्फोरस एसिड. ठीक है, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड. सो फॉर टुडे दिस इज इनफ. यू प्लीज, यू आर इन बोर्ड चिल्ड्रेन, दो द एग्जाम विल बी इन मे, बट यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर ऑल द क्वेश्चंस, है ना. एक बार प्रिपेयर कर लोगे फिर रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन विल मेक यू मोर परफेक्ट. ओके बेटा, थैंक यू.